एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता, वह बोलते हैं, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के दो पुत्र और एक पुत्री थे। जब उसने पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला है, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, अब आप कर्जा से मुक्त है। तभी साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुँच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गाँव का नहीं था। जज साहब समझ गए, वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे, किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे।